अस्सलाम वालेकुम, तालिबत की एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करके आपकी जहमतों को तमाम करता हूँ। नाज़रीन, जब मैं बी कॉम का एक क्लास फेलो था तो मेरे एक दोस्त थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे कि दो वक्त की रोटी भी नहीं जिनको मयस्सर, वो खाक अकीदे की गज़ा खा के जिएंगे। वो दोस्त हमारे बाद में PhD कर गए और आजकल वो कराची की किसी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये तो वैसे ही बाई दफे बात हो गई। तो नाज़रीन, गिलगित और बल्तिस्तान का एक माजी का मैं वाक़ आपको सुनाना चाहता हूँ। वाजह रहे कि गिलगित और बल्तिस्तान में ये इलाका फ़िरका वारियत का गढ़ था और यहाँ फ़िरकों में आपस में पता नहीं कितने लोग जो है वो ज़ाया हुए, जाने ज़ाया हुई। हद यह है कि अगर एक मुखालिफ फ़िरके का कोई शख्स दूसरे से कोई ख़रीदारी कर लेता, दूसरे मसलक के लोगों से, तो मस्जिद में मौलाना साहब को चिट पहुंच जाती कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ बंदे से जो है ना वो किया है और हमारे बाइकाट की जो है वायलेशन की। नाज़रीन, ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा और फिर एक वक्त वो आया कि जब वहाँ गंदम के मामले पे या रोटी के मामले पे उर्फ आम में आप ये कह लें एहतजाज शुरू हुआ। और जब वो एहतजाज शुरू हुआ तो वो इस कदर शदीद था कि उसमें शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, ये सब तकसीस मिट गई और लाखों लोगों ने मुतहद होकर अपना एक जो एहतजाज किया और अपने मुतालबात मनवाए। नाज़रीन, आज मैं मीडिया का ये हाल देख रहा हूँ, ख्वाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, नवाज शरीफ तकरीर कर रहा है, नहीं कर रहा, उसे तकरीर नहीं करने दी जाएगी, वो तकरीर करना उसका हक है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होके रहेगी। इसके अलावा लगता है कि सारे मिसाइल पाकिस्तान के ख़त्म हो गए। नाज़रीन, महंगाई वो इशू है जिस पे मैंने अपनी एक वीडियो की है और उसमें मैं मुख्तसरन बता दूँ, वो आप लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने ये ममासलत देखी है भुट्टो साहब में और इमरान खान साहब में। आप भुट्टो साहब की जो डाउनफॉल है उसे जो भी कहें, लेकिन उनका उसका जो बेसिक रीज़न थी वो महंगाई थी, सिर्फ और सिर्फ महंगाई। आप मेरी वीडियो में ये देख सकते, तो लिंक मौजूद है। तो मैं ये कह रहा था कि अब रियासत मदीना की भी बात होती है, लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया। और अगर ये महंगाई का इशू बढ़ गया खुदा ना खास्ता, तो फिर वही जो भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था कि लोगों का एहतजाज आ जाए, फिर लोग अच्छे कामों को भी भूल जाते हैं। भुट्टो साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो सब गायब हो गए और आवाम को ये याद था कि हमें रोटी नहीं मिलती। नाज़रीन, इस हवाले से अब मैं आपको, अगर आप ख़ुद देख लें, बहुत कुछ आ चुका है अखबारात में कि ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई के जो ताज़ा तरीन जो हकायक वाइफ सामने आए हैं वो मेरे या आपके या अपोजिशन के बनाए गए नहीं, बल्कि महकमा शुमारियात के हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो फिर रोटी का इशू है और इस वक्त आटा जो है वो या दस्तयाब ही नहीं या गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। तो मैं इमरान खान साहब से कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए गरीब आवाम का भी ख्याल कीजिए और अपनी हुकूमत का भी ख्याल कीजिए, और जो भी तरीका हो सकता है माफिया से निपटें, करप्ट माफिया से आप निपटें, लेकिन ये भी इसकी भी तहकीक करें कि आखिर ये चीनी के बाद ये रोटी को शजर ममनुआ क्यों बना दिया गया है। इस पर तवज्जो दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन खुदा रा गरीब आदमी की सोचिए और सफ़ेद पोश अफराद की सोची। ये जो इजाफा है ये इशू नंबर 1 है
जो बैकग्राउंड में चला गया है और जो पॉलिटिक्स जो है उस पर ही सिर्फ बात हो रही है। नाज़रीन, मेरा चैनल ही चूँकि गरीब आदमी के लिए है और अवामी आगाही के लिए है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट भी दी हुई है और ये बेसिकली वॉइस ऑफ ओप्रेस्ड है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और हर किस्म की वीडियो हमारी मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।